हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ एक शेयर से रिलेटेड, क्योंकि शेयर बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही बड़ा है, NSE का आप दिग्गज शेयर भी बोल सकते हो। तो कौन से शेयर के बारे में बात करने वाला हूं? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं NSE की रैंक वन कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप चार्ट पैटर्न ओपन होते ही देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री में कितनी ज़बरदस्त गिरावट आपके सामने नज़र आ रही है। तो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग पे अभी वीडियोस आ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है, बहुत कुछ ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो देखिए, मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते। सबसे पहले आप देख सकते हो, आज रिलायंस इंडस्ट्री 45 रुपीज़ डाउन है, आप बोल सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है, शेयर कितना परसेंट डाउन होता है। सो सिर्फ 3% ही डाउन है अगर आज देखे तो। और मैंने इससे पहले भी आपको जब भी मैंने रिलायंस से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तभी मैंने आपको क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि रिलायंस अभी बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। अगर आप चेकआउट करोगे इसका चार्ट एक महीने का, तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये एरिया था, इसने 1400 का लेवल, जो बहुत बड़े ब्रोकिंग फर्म ने बताए थे जब ये शेयर 1200 पे था, कि ये 1400 तक जाएगा। जिनके जैसे इनके रिजल्ट आए, जैसे इन्होंने स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को जो एस्टिमेट रहते वो भी ब्रेक करके रिजल्ट दिखाए इन लोगों ने, तो डेफिनेटली ये शेयर में एक जबरदस्त उछाल आने वाला था। तो जो आप देख सकते हो, वो 1400 तक उसने अचीव भी कर लिया। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी शेयर हमेशा ऊपर ऊपर चलते ही नहीं जाएगा फ्रेंड्स, वो कभी ना कभी उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। और अगर आप देखोगे तो रिलायंस में भी वही हो रहा है, अभी वो नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर मैंने आपको एक साल का चार्ट पैटर्न दिखाता हूं, तो ये देखिए, इससे पहले भी आप देख सकते हो कि रिलायंस का ये यहां का दौर आप देख सकते हो कि इसने कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बनाया था, और उसके बाद वो इस मोमेंट पे आके रुक गया था, जो कि उसका नया हाई था, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 1319, जो उसने अगस्त में 2018 में उसने हाई बनाया था, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना के रखा था जब इसने हाई बनाया था। तो आप देख सकते हो, वो हाई बनाने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई और शेयर देखिए कितने नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो, अगर वो नीचे आ गया और वो काउंट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपने 1030 करीब करीब आप बोल सकते हो 1000 रुपये तक डाउन आया था, 1000 रुपये तक डाउन। और वहाँ पे ही एक न्यूज़ भी सामने आई थी, आप सभी लोगों को पता है कि जेफरीज ने बताया था कि इस शेयर में करीब करीब 880 का लेवल दिखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता है जेफरीज एक बहुत ही बड़ी फर्म है, कंपनी है, तो जैसे उन लोगों के स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और उसकी वजह से आप देख भी सकते हो कि शेयर में एक बहुत भारी भरकम गिरावट भी आई थी। बट अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा था कि रिलायंस एक स्ट्रांग फंडामेंटल शेयर है, और तभी के वर्डिंग भी आप मेरे चेक कर सकते हो कि मैंने कहा था कि जेफरीज ने जो रीज़न दिया था रिलायंस के वजह से गिरावट की वजह उन्होंने बताई थी कि उनका फोकस ज़्यादा जियो की तरफ जा रहा है, ना कि उनका मेन बिजनेस जो रिफाइनरी से ऑयल है वहाँ पे वो डाउन चले जा रहे थे, और जो रिलायंस जियो का लोन वो कंटिन्यूसली ले रहे थे उसके वजह से बैलेंस शीट में लोन बढ़ रहा था, वो उन्होंने रीज़न बताया था। बट उन्होंने जो बात बोली थी 880 तक आएगा, वो हजम नहीं हो रहा था। तो मैंने तभी भी कहा था कि इतना नीचे नहीं आएगा 880 तक डेफिनेटली। तो आप देख सकते हो उसके बाद शेयर ने कैसे कमबैक किया। तो अल्टीमेटली मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जब भी शेयर हाई लेवल पे चला जाता है फ्रेंड्स, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, और ये सिर्फ एक शेयर की बात नहीं है, ऐसे हर एक शेयर में होता ही है फ्रेंड्स। सो बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में है तो बेशक आपको होल्ड करना है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देख सकते हो कि रिलायंस नीचे आ रहे हैं, तो आपको ये खरीदारी का मौका बन रहा है। क्यों मौका बन रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, मनी कंट्रोल की साइट में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए कौन सी कंपनी रैंक वन पे फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री, जो आप लोगों को मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ, जो रैंक वन कंपनी का शेयर, अगर आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव ये बहुत ही आम और स्वाभाविक बात है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको कंक्लूजन करके यही बोलना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री जो रैंक वन कंपनी है वो सस्ती हो रही है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली यहाँ खरीदारी का मौका डेफिनेटली बनता है। जितना नीचे आए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इसमें ऐड करनी, क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनियां फ्रेंड्स बार बार मौका नहीं देती है। तो जब भी आपको मौका मिले फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री आप अपने पोर्टफोलियो में और भी ऐड कर सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो, या फिर आपने नहीं खरीदा है तो भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, और नीचे जाए तो और क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो जब लंबी अवधि के लिए ये वापस 52 वीक हाई कभी ना कभी तोड़ेगा NSE की रैंक वन कंपनी, आपको क्या लगता है कि अभी रिलायंस खत्म हो गई, अभी वापस इसका कभी कारोबार होगा नहीं? डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये 52 वीक हाई अपने
हर नए साल में ये दो बार अचीव कर ही लेता है, जो इस साल भी इसने अचीव कर लिया, जो आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया 1300 और 1400, तो आने वाले फ्यूचर में भी डेफिनेटली ये दो बार अपना हाई अचीव कर लेगा। तो जब भी ये नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा खासा मौका है आपको खरीदारी का। सो फ्रेंड्स, आप अभी देख सकते हो मैंने NSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, वहाँ पे मैंने बताया कि NSE के टॉप गेनर्स और लूजर्स ये शेयर्स मैंने ओपन किए हैं, और यहाँ पे मैंने टॉप लूजर्स यहाँ पे क्लिक किया है, तो आपके सामने एक चार्ट आया आज के दिन के कितने सारे शेयर्स मतलब डाउन में चल रहे, तो बहुत सारे शेयर हैं, हम लोग कुछ ही शेयर्स देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम है, जो कि 3% डाउन है, 3% से भी ज़्यादा। उसके ऊपर ही देखिए फ्रेंड्स, उसके ज़्यादा बजाज फाइनेंस, कितना बड़ा फाइनेंस कंपनी का शेयर, अगर आप बोल सकते हो रैंक वन फाइनेंस कंपनी का शेयर, वो भी डाउन है। तो क्या आप समझते हो कि वो भी कंपनी खराब हो गई? तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये जितना नीचे है ये आपको मौका देगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने भी अपना ऑल टाइम अचीव किया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। उसके नीचे भी आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व, डेफिनेटली वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग। ये इतने दिग्गज कंपनी के शेयर है फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि शेयर कभी ना कभी हाई अचीव कर लेता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये बहुत ही आम बात होती है। तो जब भी आपको ऐसे शेयर ये नीचे मिले, इतने स्ट्रांग कंपनी के शेयर, तो आपको ये खरीदारी का मौका दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको आप चाहते हो तो आप इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मैंने रेफरेंस के लिए बजाज फाइनेंस ओपन किया है, तो आप ये भी देख सकते हो इसमें 107 का डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर आप देख सकते हो इसका, अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊँ एक साल का, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने अपने जब हाई बनाया था उसके बाद आप देख सकते हो वापस इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, ये नीचे आया था। तो एज सच कोई डरने की बात नहीं होती फ्रेंड्स, शेयर जितना नीचे जाए वापस ही उसने अपना हाई बना लिया था, और अभी भी आप देख सकते हो इसने अपना नया हाई अचीव कर लिया था। ये जो आपको दिख रहा है ये नया हाई है फ्रेंड्स, अगर मैं इसका एक मंथ का चार्ट ये देखिए, तो आपको दिखेगा 3131, ये इसका नया हाई है फ्रेंड्स, कितना 3131, और उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो कोई डरने की बात नहीं होती फ्रेंड्स, कभी भी शेयर ऐसा नहीं होगा कि 3131 है उसके बाद वो 4000 जाएगा, 5000 जाएगा, कभी गिरावट होगी नहीं, डेफिनेटली होगी, शेयर मार्केट में चीज़ें होती ही रहती है फ्रेंड्स। सो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिलायंस हो या फिर बजाज फाइनेंस भी। सो फ्रेंड्स, वापस हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे रिलायंस से रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं रिलायंस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 52 वीक हाई 1417 अभी बनाया था, आप डेट भी देख सकते हो 3 मई को, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी तो ये होना ही था फ्रेंड्स। सो कोई डरने की बात नहीं है, जितना नीचे आने दो आने दो, इस शेयर को बहुत ही अच्छा है, आपको बस खरीदना है। और अगर डिटेल दिखाने जाओ तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो चलिए आज का ये देखिए कारोबार भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 47% लोगों ने क्या किया है, ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिए। तो अगर ये इतना गिरावट है, आप देख सकते हो कितने सारे लोग अच्छे अच्छे शेयर्स खरीदते ही चले जा रहे हैं। जब भी गिरावट होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ NSE की रैंक वन कंपनी है, कोई भी आग बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कितनी भी गिरावट हो या फिर कोई ख़राब पोजीशन भी आ जाए, पकड़ लीजिए एग्जाम के लिए कुछ एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि कुछ तो ख़राब पोजीशन आ गई इसमें, तो आप लोगों को पता है कि इनके ओनर कौन है, इनके चेयरमैन कौन है, आप सभी लोगों को पता है मुकेश अंबानी। अगर ये सिर्फ एक अपने मुँह से एक लफ्ज़ भी निकाल देंगे कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, तो वो एक वर्ड न्यूज़ बन के आप सभी लोगों को पता है कि इसमें वापस एक उछाल आ सकता है। तो डेफिनेटली ये कोई डरने की बात ही नहीं है, इतना सिक्योर शेयर है फ्रेंड्स। तो और वापस मैं कंटिन्यू वापस बोलना चाह रहा हूँ कि NSE की रैंक वन कंपनी है, वो ऐसी रैंक वन कंपनी नहीं बनी है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये गिरावट है तो बहुत ही अच्छा बात है फ्रेंड्स, आपको कभी भी मौका मिले ऐसी गिरावट का फ़ायदा उठा के ये शेयर खरीदने चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रॉफिट देखिए आप गिन नहीं पाओगे, इतना है। ये सिर्फ 8 लाख नहीं है फ्रेंड्स, इसके ऊपर और 5 जीरो आपको 4 जीरो जोड़ने पड़ेंगे नीचे इन रुपीज़ इन लैक्स से, तो इतना गजब का प्रॉफिट है। आप देख सकते हो कंपनी कभी डिफ़िकल्टीज में जा ही नहीं सकती, इनके ये खुद एक आप देख सकते हो बैंकों को लोन दे सकती, इतना पैसा इन लोगों के पास, इतने रिजर्व्स पड़े इन लोगों के पास। तो और इसीलिए आप नीचे भी देख सकते हो कि कंटिन्यूसली कंपनी क्या करती है, डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है, कंटिन्यूसली देगी, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली। तो बहुत ही इतनी ज़बरदस्त स्ट्रांग कंपनी, जिनके पास इतना सारा रिजर्व पड़ा है, इतना सारा कैश पड़ा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, अल्टीमेटली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हो मैंने बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे ओपन किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखो इसका हाई देखिए 52 वीक हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, कब है 3 मई को, अभी जैसे रिलायंस का था और उसके बाद गिरावट। तो ये जैसे मैंने बोला था फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन नहीं है, बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है ये इतने बड़े दिग्गज कंपनी के शेयर रिलायंस और बजाज फाइनेंस जैसे, कि ये नीचे आ रहे हैं तो आपको ये खरीदारी का बहुत ही सुनहरा मौका दे रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इनका शेयर होल्डिंग ये भी देख सकते हो आप, इनका प्रॉफिट देखिए फ्रेंड्स 92 था, उसके बाद 1 लाख, ऑब्वियसली ये भी रुपीज़ 3 लाख से। इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट रहेगा तो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो इतनी ज़बरदस्त कंपनी है बजाज फाइनेंस भी, वो भी अगर इतना डाउन हो रही है तो आपको ये खरीदारी का मौका दे रही है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अट्रैक्टिव है, 50% से अबव है। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा था, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सारे लोगों को पता है। बट ये ऐसा डाउनफॉल देखने के बाद बहुत सारे रिटेल निवेशकों में डर पैदा होता है, बट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनमें खुशी का माहौल होता है फ्रेंड्स। मैं और चाहता हूँ, सीरियसली मैं अपनी ज़बान से बोल रहा हूँ, ये शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में, मैं और चाहता हूँ ये नीचे आए। अगर ये नीचे आएंगे तो और हम लोगों को ये खरीदारी के मौका बनेंगे, क्योंकि ये अच्छे शेयर ऐसे नीचे नहीं आते, और जब भी आते तो आप लोगों को ये खरीदना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग, आपको पता है कि येस बैंक का शेयर गिर जाता है तो वहाँ पे भीड़ चली जाती है खरीदने के लिए, बट ऐसे अच्छे शेयर जो NSE की रैंक 1 कंपनी का शेयर अगर नीचे आएगा तो वहाँ पे लोग डाउट क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी मेंटालिटी कैसी है, तो इसको चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जिस दिन आप ऐसी मेंटालिटी को चेंज करना सीखोगे तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत ही सक्सेसफुल रहोगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को क्लोज करते वक्त जो दो शेयर मैंने सिलेक्ट किए थे कि रिलायंस इंडस्ट्री और बजाज फाइनेंस, सो दोनों शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में तो आपको डेफिनेटली होल्ड करने हैं। अगर आपने खरीदे नहीं है तो ये खरीदारी का मौका भी आपको दे रहे हैं, ये नीचे आ रहे तो खरीदे। अगर आपको एवरेज करना है तो आप एवरेज भी कर सकते हो, ज़बरदस्त शेयर है फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा, ये लंबी अवधि के शेयर है, गिरावट और भी आ सकती है, तो पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं, आपको होल्ड रखना है। और जैसे मैंने कहा था कि इलेक्शन का टाइम होता है, वहाँ पे मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, तो उसका फ़ायदा भी हम लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि अच्छे शेयर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अच्छे शेयर सस्ते होने जा रहे हैं, तो आपको ये खरीदारी का बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, और अगर इस चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक करना, तो जो भी मेरा एनालिटिक्स वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।